तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक के संस्कृत के नौवें पाठ दयानंद सरस्वती के लाइन बाय लाइन संस्कृत एवं हिंदी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप और भी पाठ पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप अन्य सभी पाठों को पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आज के इस पाठ को। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद समाज तथा शिक्षा के महान उद्धारक हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से भारतीय समाज को इनका बहुत बड़ा योगदान मिला। भारतवर्ष राष्ट्रीयता बोध्यपि अस्य कार्य विशेष। भारतीय समाज में राष्ट्रीयता का बोध करना भी इनका विशेष कार्य है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद आकृत। समाज में प्रचलित अनेक दूषित प्रथाओं को दूर कर स्वामी दयानंद ने शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज उदाहरणेन योगदानम च निरूप्यति। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय देता है तथा समाज के उद्धार में अनेक योगदान का निरूपण करता है। मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदृश्य। मध्यकाल में अनेकों कुत्सित रीतियाँ ने भारतीय समाज को दूषित कर रखा था। जातिवाद कृत्यम वैषम्यम अपृश्यता धर्मकार्येषु आडम्बर स्त्री नाम शिक्षा विधवा नाम गृहिता स्थित शिक्षाया व्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आस। जातिवाद जनित विषमता छुआछूत धर्म कार्यों में दिखावापन स्त्रियों की अशिक्षा विधवाओं की दयनीय स्थिति शिक्षा की कमी इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मानंतरम स्वीकृतवंतः। इस कारण अनेक दलित हिंदू समाज को छोड़कर धर्म परिवर्तन स्वीकार कर रहे थे। एतादृशे विषमे काले उन्विंशति शतके केचन धर्मोद्धारक सत्यान्वेषिण समाजस्य वैषम्यनिवारका भारते वर्षे प्रदुर्भावन। 19वीं शताब्दी के ऐसे विषम काल में भारतवर्ष में कुछ धर्म उद्धारक सत्यान्वेषी तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले व्यक्तियों का प्रदुर्भाव हुआ। तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचारा नाम व्याकत्वतात् समाज उद्धकारस्य संकल्पच शिखर स्थानीय। उनमें विचारों की व्यापकता तथा समाज के उद्धार के संकल्प की महानता के कारण स्वामी दयानंद सबसे शीर्ष स्थान पर हैं। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकड़ा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी और वर्षे अभूत। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकड़ा नामक गाँव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययनस्य प्रारंभ हो जाता है। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन का आरंभ हुआ। कर्मकांडी परिवारे तदृश्यव व्यवस्था तदान्मी आसित। उस समय कर्मकांडी प्रधान परिवार में वैसी ही व्यवस्था थी। शिव उपास के परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिव उपासक परिवार में महाशिवरात्रि का पर्व मूल शंकर के लिए प्रेरणादायक हुआ। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रत अमूर्त्यः मुस्का विग्र अर्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि चूहे शिव मूर्ति पर चढ़कर मूर्ति पर चढ़ाए गए खाद्य पदार्थों को खा रहे हैं। मूल शंकरो अचिंत्यत यत विग्रो अयम किंचित कारः। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति तुच्छ है। वस्तुतः देवता प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजायां प्रति अनास्था जाता। उसके बाद ही
मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। वर्ष द्वैभान्तरे एव तस्य प्रियाः सुवर्धिनाम जातम, दो वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, उसके पश्चात मूल शंकर में वैराग्य भाव का जन्म हुआ। गृहं परित्यज्य विभिन्नां विदुषां सता साधु न च संगतौ रमान्यो अस्यो मथुरां बिरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षु विदुषः समीपम् आगतः। घर का परित्याग कर विभिन्न विद्वानों सज्जनों एवं साधुओं की संगति में इधर उधर घूमते हुए वह मथुरा के अंधे विद्वान बिरजानंद के पास आए। तस्मात् अर्श ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रभारत, उनसे अर्श ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। विरजानंद के उपदेश से उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्म आडंबरानाम खंडनम अपि सचकार, जहाँ तहाँ उन्होंने धर्म आडंबर का खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, अनेक विद्वान पंडित उनके द्वारा पराजित होकर उनके मतों में दीक्षित हो गए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडन से अस्पृत्याता बाल विवाह से च निवारण से तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकय सहकृत। विभिन्न समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा विधवा विवाह तथा मूर्ति पूजा खंडन का तथा छुआछूत और बाल विवाह दूर करने का उनके द्वारा महान प्रयास किया गया। स्वसिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्वय अनुयायी नाम स महांतम उपकारम चकार, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों का उन्होंने महान उपकार किया। किंच वेदान प्रति सर्वेशाम धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षण स्वयं वेद भाषानी संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान, और वेदों के प्रति सभी धर्मों के अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं वेदों का भाषण और संस्कृत और हिंदी भाषा में रचा। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धति समावर्धयत्। प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाकर उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति को लोगों के सामने रखा। स्वसिद्धांता नाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थापनाय स्थापनाम कृत्वा अनुयायीनाम कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोध निर्देशम प्रकटितवान, अपने सिद्धांत को कार्य रूप में लाने हेतु 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के बदलाव का उद्देश्य प्रकट किया। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशे सूच प्रायेण विस्तारम प्रतिनगरम वर्तन्ते सर्वत्र समाज दुष्यानि शिक्षा मलानि च शोभ्यन्ति। इस समय वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखाएं और उपशाखाएं देश और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में स्थापित है। सब जगह समाज के दोषों तथा शिक्षा की विकृति को दूर करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा पद्धतो गुरुकुला नाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यो अनंतरम प्रबद्ध तद अनुयायी भी वर्तमान शिक्षा पद्धतो प्रवर्तेन च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। शिक्षा पद्धति में उनके अनुयायियों द्वारा उनके मृत्यु के बाद गुरुकुलों और DAV विद्यालयों के समूहों का आरंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के बदलाव में दयानंद तथा आर्य समाज का योगदान स्मरणीय है।